उत्तराखंड में टिहरी जिले के सुकंडा मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ जुटने लग गई है और आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और नवरात्र के उपलक्ष पर यहां पर लगातार मंदिर में माता के दर्शन के लिए लगातार भीड़ जुटने लगी है। और आपको बता दूं कि सुकंडा माँ के मंदिर के नीचे एक जलधारा है और ये जलधारा गंगोत्री के पानी के बराबर इसकी मान्यता है। साथ ही बता दूं कि इस पानी की मान्यता केदारखंड में भी की गई है। ऐसा कि मंदिर माँ का जो मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, यहाँ से जो है ना 100 मीटर आगे, यहाँ पे आगे पैदल रास्ते जब आप जाओगे तो वहाँ पे हवा घर है, एक दुकान है, दुकान से देनी आप की तरफ मुड़ोगे वहाँ पे एक कुंड है, वो जो सिटी जगह से जो है वो गंगा निकली, इसी में जो है उसी के ऊपर से जो यहाँ पे गंगा दशहरा होता है। तो यहाँ इस पहाड़ी में आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, जो नीचे कंकाल मार्केट है उससे भी नीचे जो है पानी है, यहाँ से ऊपर कोई पानी नहीं है, लेकिन सिर्फ माँ का जो पानी है, माँ का स्नान, माँ का जो भोग बनता है वो उसी पानी से बनता है और वहाँ पे 12 महीने वाला पानी रहता है। तो क्या कहते हैं उस पानी को लेके कि क्या शुद्धता क्या है उस पानी? शुद्धता की ये है कि माँ का पानी, माँ जो है वहाँ पे स्नान करती है और उसी पानी से जो है हम लोग माँ का भोग बनाते हैं, वो सिर्फ माँ के भोग के लिए है, अनार कोई वैसा साफ पानी है गंगा जी, मतलब कि गंगा दशहरा उसी के नाम से यहाँ पे गंगा दशहरा। और मैं आपको बता दूं कि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि यह जगह साधारण नहीं है, यह कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और पवित्र जगह है। मान्यता है कि जब राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे उस समय भगवान शिव की जटाओं से गंगा की एक धारा निकलकर यहां पर गिरी और तब से इस जगह पर जल स्रोत फूटता है और जिसका पानी गंगा जल के समान है और इसका वर्णन केदारखंड में भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं कि यहां पर आपको कई आश्चर्यजनक चीज देखने को मिलेगी। अरविंद नौटियाल, ईटीवी भारत, टिकी गढ़वाल।